बस ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके सो आवर सेशन इज गोइंग ऑन एफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। ओके सो हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, दैट हाउ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा विल गिव यू द नेक्टर, ओके अमृत आपको एवरी टाइम विल फील हैप्पी। सो उसके पहले आई विल जस्ट समराइज कि व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड चेतो दर्पण मार्जनम, द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ चैंटिंग, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बोला था। चेतो दर्पण मार्जनम मीन्स वॉट? इट मीन्स दैट वेन वी चैंट हरे कृष्णा इट विल रिमूव द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम अवर माइंड। ओके द डर्टी थिंग्स विल बी रिमूव फ्रॉम अवर माइंड। चेतो दर्पण मार्जनम, देन भव महादावाग्नि निर्वापनम। देन सेकेंड इफेक्ट ऑफ चैंटिंग इज वेन वी चैंट हरे कृष्णा वेरी सिंसियरली द फॉरेस्ट फायर जो है, द वॉट यू से मिजरीज ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड, उससे हमको रिलीफ मिल जाएगा। देन द थर्ड इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम। सो श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम मीन्स दैट अवर कॉन्शियसनेस विल ब्लॉसम्ड जस्ट लाइक हाउ अ लोटस ब्लॉसम्स इन द मून मून लाइट। इन द सेम वे बाई चैंटिंग हरे कृष्ण अवर कॉन्शियसनेस विल ब्लॉसम, हमारी चेतना शुद्ध होगी एंड वील फील विल बिकम मोर प्योर एंड हैप्पी। ओके देन विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु जीवनम मीन्स वॉट? दैट नॉलेज इज द वाइफ ऑफ कृष्णावधु। ओके सो वेन वी चैंट हरे कृष्ण देन ऑटोमेटिकली वील गेट द नॉलेज विच इज परमानेंट नॉलेज, नॉट टेम्पररी। मरने के बाद भी ये नॉलेज विल रिमेन विद अस। देन द फिफ्थ इफेक्ट ऑफ चैंटिंग विच वी डिस्कस्ड इन द सेशन वॉज आनंदम बुद्धि वर्धनम। सो वी विल कम आउट ऑफ द ओशन ऑफ मेटीरियल स्ट्रगलिंग, ऑफ द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ओशन ऑफ सफरिंग, इससे बाहर निकल के विल गो टू द ओशन ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस विल एक्सपीरियंस। एंड इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादुनम, मीन्स ऑल टाइम हाउ कैन वी एक्सपीरियंस दिस प्योर हैप्पीनेस। तो इसके लिए लास्ट सेशन में सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादिनम द मीनिंग ऑफ दैट। देन वी डिस्कस्ड हाउ दैट हाउ एक जॉन्डिस का एग्जांपल मैंने दिया था कि हाउ अ पेशेंट हु इज हैविंग जॉन्डिस, हाउ कैन यू ओवरकम बाय जॉन्डिस बाय टेकिंग द शुगर केन जूस। सिमिलरली व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा रेगुलरली इट माइट फील लिटिल लिटिल टेस्टलेस इन द बिगिनिंग, बट इट इज नेक्टर एट द एंड। ओके सो दैट इज बिकॉज इट इज एक्चुअली स्वीट, बट बिकॉज ऑफ अवर अनर्थास, हमारे जो इम्प्यूरिटीज है उसके वजह से हमें वो स्वीटनेस महसूस नहीं हो रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। एंड देन वी डिस्कस दैट अवर द मेन रीजन इज डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज वी आर इन द मोड ऑफ तमोगुण एंड मोड ऑफ रजोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन। बिकॉज ऑफ दैट अवर माइंड इज कंटिन्यूअसली वॉन्डरिंग, मंकी के जैसे यहाँ वहाँ पर माइंड पूरा वॉन्डर कर रहा है। जैसे कि अगर आपने मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपने आपका मुंह खोल के रखा है एंड समबडी इज ड्रॉपिंग नेक्टर इन योर माउथ, अमृत कोई माउथ में ड्रॉप कर रहा है और आप जस्ट मुंह को हिला रहे, एक फोकस में नहीं है, देन विल नॉट टेस्ट द अमृत। ओके बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण। सो नाउ दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन। सो टूडे वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ कैन वी एक्सपीरियंस दिस प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, दिस हैप्पीनेस दिस विच विल बी ऑल द टाइम व्हेन वी चैंट, हाउ कैन वी एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग अवर माइंड टू द मोड ऑफ गुडनेस। ओके सो हाउ कैन वी ब्रिंग अवर माइंड टू द मोड ऑफ गुडनेस? व्हेन वी ब्रिंग अवर बॉडी इन द मोड ऑफ गुडनेस। ओके इफ यू ब्रिंग अवर बॉडी इन द मोड ऑफ गुडनेस बाय कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स, व्हेन जब हम लोग हमारे क्या बोलते हैं गुड हैबिट्स, जैसे कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है then you have to sleep early at the night, then only you can wake up early in the morning in the mode of goodness. So when you cultivate these good habits, then your mind will be also coming to mode of goodness. जैसे कि अगर आपको अमेरिका में जाना है, ठीक है, तो अमेरिका अगर आपको पहुंचना है तो फर्स्ट यू शुड एटलीस्ट गो टू द एयरपोर्ट।
अगर आप एयरपोर्ट में जाएंगे ओनली देन फ्रॉम देयर यू कैन टेक ऑफ एंड गो टू अमेरिका, इजेंट इट? सो सिमिलरली नाउ व्हेन यू हैव टू एक्सपीरियंस द प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम द प्योर गुडनेस, when you have to experience the pure happiness, then you have to come to the platform of pure goodness, okay, which is beyond goodness. So for that first we have to come to goodness. पहले एयरपोर्ट पे आना होगा और एयरपोर्ट के आने के बाद ही वी कैन गो टू अमेरिका. ओके, सो इसके लिए वॉट वी हैव आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल शो यू वन ब्यूटिफुल श्लोका फ्रॉम भागवत गीता. सो भागवत गीता 7.14 में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं. You all can repeat after me. Daivi hi esa gunamai. You can all unmute and repeat after me. Daivi hi esa gunamai. Mama maya duratyata. Mama maya duratyata. Mam eva ye prapadyante. Mam eva ye prapadyante. मायाम एतम तरंति ते. मायाम एतम तरंति ते. ओके, सो प्रीतम कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? ओके, प्लीज गो अहेड. द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Okay, so यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ये जो माया है, okay, this माया is very difficult to overcome. But this माया is also my energy. माया भी मेरी ही energy है. So जब आप कृष्णा का शरणागति लेंगे, when you take shelter of Krishna, then you can easily overcome माया. Okay, so this is what Krishna is trying to explain over here. So now, how can we चेक द प्रोग्रेस कि हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं. सो हाउ कैन वी चेक दैट कितना हमारा, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कितना हमारा नेगेटिव थॉट्स कम हो गया है, मतलब कितना हम लोग नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर लिए उतना हमारा प्रोग्रेस हुआ. नॉट लाइक दैट. थॉट्स विल कम एंड गो ऑलवेज, बट इट डिपेंड्स वॉट वी डू वेन द थॉट कम. वेन द बैड थॉट्स विल कम इन अवर माइंड, देन वॉट वी विल डू दैट डिपेंड्स. क्या हम उसको वेलकम करते हैं और डू वी रिजेक्ट दोज थॉट्स? ओके, सो हाउ टू नो वेदर वी आर प्रोग्रेसिंग? यू ऑल आर चैंटिंग फ्रॉम पास्ट 3-4 months, यू आर चैंटिंग, सम ऑफ यू आर चैंटिंग 4 rounds और सम ऑफ यू चैंटिंग इवन 12 rounds, 8 rounds. सो यू आर ऑल आर चैंटिंग फ्रॉम पास्ट 3-4 months. सो हाउ कैन यू चेक वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग और नॉट? कि जब आपके मन में जब बुरे ख्याल आएंगे, एट दैट टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड कि मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं, बट स्टिल दिस थॉट आर कमिंग इन अवर माइंड. सो व्हाई इज दिस थॉट कमिंग इन अवर माइंड? कि मेरे मन में इस ख्याल क्यों आ रहा है? तो जब आप प्रश्न पूछेंगे, इट मींस दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ. ओके, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नॉलेज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? नॉलेज मीन्स टू स्टॉप अवर बैड थॉट्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू एक्शन. बुरे बुरे विचारों को एक्शन या कर्म में परिवर्तन होने से पहले उसे स्टॉप कर देना है. सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग. मींस लाइक अगर आप कोई ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, देन यू थिंक अबाउट दैट ऑब्जेक्ट एंड उसके उसके ऊपर थॉट थिंक करने के वजह से यू गेट द डिजायर टू गेट दैट ऑब्जेक्ट एंड देन यू कैन बिकॉज यू वॉन्ट दैट ऑब्जेक्ट देन द डिजायर विल कन्वर्ट इन टू एक्शन. ओके, जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रगल किया और वो सोच रहा है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और रास्ते पे जा रहा है, उसने एक शराब की दुकान देखी एंड ही डिड नॉट स्टॉप दैट थॉट. ओके, डिड नॉट रिजेक्ट दैट नेगेटिव थॉट. उसने दुकान को देखा एंड ही थॉट अबाउट दैट और उसको मन में डिजायर आया कि मुझे शराब लेनी है एंड देन ही कमिटेड एक्शन. ओके, सो थॉट देन फीलिंग ही फेल्ट अबाउट दैट एंड देन ही कमिटेड एक्शन. ही वेंट एंड ब्रॉट द लिकर. ओके, सो दिस इज व्हाट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्ट्रगल टू overcome these negative thoughts. Okay, that will happen by chanting Hare Krishna. So when we are chanting Hare Krishna, when we are struggling to overcome these negative thoughts, then Krishna is there with us. It is not that we are alone. We are not alone in the struggling. Krishna is there with us in our heart as Paramatma. So even in the struggle, we are feeling experiencing the happiness.
Okay, even in that happiness is there. So when this क्या बोलते हैं thoughts will come in our mind, how do you react to those thoughts? That will matter the most. Do we welcome it or do we oppose that thing? If you are chanting regularly, if you are attending the sessions, and when these negative thoughts will come, automatically the feeling will come that I don't want this thought. You will reject that thought. But if you are not doing regular chanting and hearing, or other students who are not doing this thing outside people, then obviously they will accept the negative thoughts. They will welcome the negative thoughts, and that will be the cause of their suffering. Okay. So when these negative thoughts will come, we have to pray to Krishna. Okay, that negative thoughts are coming. Please help me to overcome these anarthas. So these bad anarthas are there in our mind, in our heart: lust, anger, greed, pride, envy, illusion. And these are like big mountain. So unless we have mercy of Krishna, we cannot overcome it. Like one example was there, that one guru told his disciple, उसके शिष्य को बोला कि बहुत बड़ा पर्वत है, तो आपको मैं instruction देता हूँ कि आप इस पर्वत को धकेलिए. Okay, you push this mountain. And then that disciple, he continued that pushing the mountain for many years. And after many years, the guru came back. And the disciple was very disappointed. वो बोल रहा है कि आपने तो मुझे बोला इसे push करने के लिए. And I am pushing it from so many years. But ये move ही हुआ नहीं. Mountain एक इंच भी यहाँ से हिला नहीं. तब गुरु ने बोला कि मैंने तुम्हें इसे move करने के लिए नहीं बोला था. मैंने just बोला you have to push it. और उसका रिजल्ट क्या हुआ? योर आर्म्स हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग. लुक एट योर बॉडी, योर शोल्डर्स हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग. ओके, सो योर बॉडी हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग एंड फिट. बट दैट डिसाइपल वॉज नॉट रिकग्नाइजिंग इट इन द बिगिनिंग. ही वॉज थिंकिंग कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. सो इन द सेम वे वी हैव गॉट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड प्रभुपाद दैट वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा. एंड दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा विल प्यूरिफाई आवर अनर्थस. ये सब लस्ट, एंगर, ग्रीड, पैड एंड इल्यूजन, इसको हमारे माइंड सब निकाल देगा. ओके, बट फॉर दैट वी हैव टू कंटिन्यू एवरी डे सिंसियरली चैंटिंग हरे कृष्णा. ओके, बी टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, एंड ओनली देन ग्रेजुअली विल फील दी हैप्पीनेस. प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम. एक बार एक शिष्य राधेनाथ स्वामी महाराज से पूछ रहे थे कि आई एम चैंटिंग बट दिस अनर्थस आर नॉट गोइंग आउट, what I can do. So Radhan Maharaj ne bola ki these anarthas are like a big mountain. It is not in our capacity to push that mountain. But then the disciple asked that how can we then get rid of the anarthas. Then Maharaj ne bola ki when you struggle to chant sincerely, okay, when chanting karne time ko kabhi kabhi man lagega nahi, man bolega yahi par baith ke chanting, man bolega chanting nahi karna hai, or all bad thoughts will come. But you have to struggle to chant by taking shelter of Krishna, and you have to pray that Krishna, please help me, please have mercy on me. And with this humble attitude, with sincere surrender, when you chant, then Krishna will have mercy on you. And then only by Krishna's mercy, this anarthas will go away, and then you will feel the happiness all the time. Purnamrita Swadhanam. Okay, so Mahadam Prabhu is also there with us today. So if you wish to say something, Mahadam Prabhu, or add on to this topic something? There is no time only. Okay. I just take 1 minute, I come back. Yeah, sure, probably. So actually Prabhuji ka health theek nahi hai, but still he was suffering from malaria, as all of you know. But still he by my request he has come over here with us. Okay,
So you can see that even in this situation of when body is not supporting, but still he's coming and giving us his association. Actually, I'm taking association, and I'm really impressed by Akshay Prabhu's very nice explanation. He's speaking the deeper aspect of practice. So the spiritual practice is very rare and very elevated subject matter. So we are discussing Unam Ritu Aswadanam, drinking the pure nectar, which can Sarvatma Snapanam, which can draw the soul fully in the ocean of bliss. So we have discussed the password for happiness, that we are searching for that type of bliss which will never be stopped. Continuous prati padam, continuous happiness, prati padam purnamrita, every step there is a nectar. So actually soul perceives everything through his consciousness. Body is dead, because soul is there in the body, therefore body is alive. So in the body the senses are there, senses are just like instrument. But soul perceive everything through the consciousness. If consciousness is material, then you experience misery. You experience material consciousness. Material consciousness means three modes: passion, ignorance and goodness. And passion means tada rajas tamo bhava kama lobha jayastaye. Kama and lobha, lust, greed, anger, all this. So you experience that only. But when consciousness is spiritual, when your consciousness is spiritual, then you experience love. You experience your original identification as an eternal servant of God. You experience sweetness. Because the Supreme Personality of Godhead is Anandamaya Bhavshat. He is Akhila Rasamrita Murti. He is a reservoir of all pleasure. So when you come in contact with the Supreme Personality of Godhead, then you can experience that sweetness. So that Supreme Personality of Godhead is available in the form of Holy Name, in the form of Bhagavad Gita. Geet means song. So the song sung by the Supreme Lord. So when you hear Krishna Katha, when you chant Krishna's name, then you can experience that nectar. So therefore, you have to understand the process. And more you practice the process sincerely every day, more you can experience that nectar. So normally people are drinking the impure rasa, movie song, then sports news, newspapers, magazine, or sexual thoughts. So people are finding these are the nectar. But unless you define the difference between actual nectar and the liquor, you cannot actually taste it. So first of all, philosophically you have to be clear. And that's what these classes are very important, MMCs are very important. At least first of all you identify which is nectar, which is not nectar.
So in the college and in the classes, mostly if you speak about spirituality, people will make fun of you, as if you are the useless person. But they don't know that they're discussing about all impurities, and they are smearing those impurities on their body. Just like if you smear the stool on your body. So similarly, all bodily pleasure are like a stool. Stool-like pleasure. Or the skin pleasure. So all the pleasure in the bodily platform comes from skin. And Prabhupada explained it as a skin disease. More you scratch on your screen, what will happen? Itching will increase. And ultimately the blood will come out. So the sense enjoyment in the bodily platform does not satisfy the soul. It looks nectar in the beginning. That's what people are discussing about. So first of all, you have to define what is actual pleasure, actual nectar, pure nectar. And when you understand it, then you are advanced. Then you are actually in knowledge. Actually, you are elevated person. Actually, you are civilized. Otherwise, you are not civilized. You are in animal platform. So first of all, you have to understand what is actual pleasure. Prabhupada ji batate hain is duniya mein आप देखेंगे दारू के दुकान में लाइन लग जाता है. लोग अभी लॉकडाउन में भी लोग दारू के दुकान में लाइन लगा के दारू खरीदते हैं, दारू पीते हैं पैसा देके. और दूसरी ओर जो दूध वाला है, दूध वाला क्या करता है, घूम घूम के हर घर घर जाके दूध बेचते हैं. ये सुनो, दारू के दुकान में क्यों लाइन लगता है, दारू वाला नहीं आता है बेचने के लिए, और दूध वाला को क्यों जाना का पड़ता है दूध देने के लिए, क्यों बताइए? हाँ, जितने भी दूध वाला देखिए घर घर जाके दूध बेचते हैं, क्यों? क्योंकि लोग यस बोलिए. सर, जो दारू वाला होता है वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को खरीदने के लिए, इसलिए. और दूध वाला चाहता है क्योंकि लोगों को जरूरत तो है लेकिन उतना भी नहीं, इसीलिए शायद. क्या जरूरत नहीं है? दूध जरूरत नहीं ना, दारू जरूरत, कौन सा जरूरत? दूध जरूरत ना, दारू जरूरत है ज्यादा? सर दूध जरूरत है. हाँ, तो दूध वाला लोग क्यों नहीं आते खरीदने के लिए? बोलिए. सिंपल आंसर कौन कह सकते हैं? ऋतिक राज, मोहित. प्रभु जी, दूध हम लोग को अट्रैक्ट नहीं करता है बट दारू करता है. Which is like impure rasa, which is not good for health, not good for consciousness, nothing. But people are interested for impure thoughts, impure pleasure. People are not interested about milk. Even sometimes milk wala doodh bech ke daru peete. That is the condition. That is the situation of these people, of this material world. People are searching for the sense pleasure, which is impure. In the beginning, it maybe looks feeling like a nectar, but at the end, it's like poison. So therefore, first of all, we have to define what is pure nectar, what is real happiness, what is happiness in knowledge, what is true happiness, and what is impure happiness, or what is not happiness, poison. Then only your spiritual life will begin. Asvatamam tvadgamo, tamasamam jyotirgamo, mrittumay amritagamayo, amritagamayo, nectar.
यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड इट. आपको लग सकता है अक्षय भैया हर वीक में क्यों कॉल करता है हमें, बार बार हमें डिस्टर्ब करता है. वही केस वही है. लोग दारू के दुकान में जा रहे हैं और दूध वाला सबके घर घर जाके दूध बेचते हैं. हाँ, तो शास्त्र में कहा गया है कि लोगों को गुरु के पास जाना चाहिए. तद विज्ञानार्थम स्वयं गुरु ही गच्छेत. उस विज्ञान को समझने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, गच्छेत. लेकिन कलयुग में कोई गुरु के पास नहीं जाता है, गुरु को ही आना पड़ता है. अरे ले लो भैया कृष्ण भक्ति, ले लो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करो, भागवत गीता पढ़ो. तो आपको लग सकता है कि अक्षय भैया क्यों कॉल करते हैं, ये वॉयस के बच्चे लोग क्यों हमें लोगों के पीछे पड़े हुए हैं. हाँ, क्योंकि हम लोग सब दारू के प्रति अट्रैक्टेड है. वी आर नॉट रियली मतलब अप्रिशिएटिंग द नेक्टर. So therefore the devotees are very merciful. Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. Lord Krishna is very merciful to appear in this world to deliver us. So this is our own benefit. And first of all, you have to appreciate that. We have to acknowledge that in our life. And practice sincerely in our life. So when you define what is nectar and what is not nectar, then your spiritual progress begin. You reject material enjoyments or the impure activities. And then you start experiencing the higher taste. So you experiencing the spiritual happiness. So I'll end with this conclusion. Rupa Goswami, he speak very powerful verse on chanting. He said that tunde tandava tundavali labdhaye karno koraka kadambini ghatayate. Rupa Goswami Pada explained that I don't know how much nectar is there in this two syllable Krishna. So when I chant the name of Krishna, I experience so much nectar that I desire thousands of tongue. So this Krishna, when Krishna dances on my tongue, I experience so much nectar that I desire when I will be having thousands of tongue. And when that holy name of Krishna enter into my ear hole, it gives me so much pleasure I desire when I will develop millions of ears. And then when that holy name enter into the courtyard of my heart, that completely capture all the activities of my mind and the senses, and it give pleasure of ocean of nectar. So this is the actual experience of chanting. So Rupa Goswami Pad is experiencing the complete nectar. even not complete also, it's a drop of the complete nectar. So even a drop of the complete nectar can completely immerse the soul in the ocean of bliss. And therefore Rupa Goswami Pada is feeling one tongue, one ear is insufficient, and therefore he's asking, he's desiring when I'll get more tongue, more ear, so that I can experience more nectar. So therefore more you continue chanting regularly, more you increase your round, more you can experience that nectar. So if you don't increase your round, if you don't chant regularly, then naturally you are looking for the impure nectar.
which is actually a poison. So more you you have to pay the price. So we are not able to, so Rupa Samipada is speaking about that nectar, but we are not able to experience that nectar because Akshay Prabhu told last time that because of jaundice. So when jaundice is there, you cannot experience, you cannot understand the sweetness of sugar cane juice. Sugar cane juice is not bitter, but jaundice patient is experiencing it is bitter. Similarly, holy name is sweet. Rupa Goswami is saying, Krishna is saying, Chaitanya Mahaprabhu is saying. But we are not experiencing because we have disease. And that disease will go away. Jaundice goes away by drinking sugar cane more. So the medicine of jaundice is sugar cane only. Similarly, we are not able to experience that pure nectar in the beginning stage. But more you chant, more sincerely you chant, more you can experience that nectar. So that is the price. So, Krishna conscious nectar is very, very rare. And the price is Tatra Loulam Eka Mulyam Janmo Koti Sukriti Vinalabhate. Koti Janmo Ki Punya Se Bhi Aapko Krishna Bhakti Ka Nectar Nahi Milega. Krishna Bhakti Ka Amrit Itne Durlab Hai, Koti Janmo Ki Punya Se Bhi Nahi Prapt Hoga. तो फिर मूल्य क्या है? तत्रो लौलम एक मूल्यम, दैट इंटेंस डिजायर टू गेट दैट सिंसियरिटी टू एक्सपीरियंस दैट प्योर नेक्टर. देयर इज वन बर्ड नेम चातका बर्ड. ही इज नॉट रनिंग अप टू ऑर्डिनरी वाटर. ही विल ओनली ड्रिंक द वाटर व्हिच कम्स द ड्यूरिंग द स्वाति नक्षत्र. स्वाति नक्षत्र के समय एक विशेष प्रकार के वृष्टि होता है विच इज वेरी रिजुविनेटिंग, विच इज वेरी रिफ्रेशिंग, विच इज वेरी लाइफ एनहांसिंग. सो द चातका बार्ड विल ओनली ड्रिंक दैट नेक्टर, विल नॉट ड्रिंक द इम्प्योर वाटर. सो देयरफॉर डिवोटीज आर लाइक ए चातका बार्ड एंड देयर ओनली ट्राइंग टू एक्सपीरियंस दैट प्योर नेक्टर. दे आर नॉट रनिंग आफ्टर सो कॉल्ड impure happiness of this world, which is like a garbage. So there is a crow and there is a swan. So crow take pleasure in the garbage and swan take place in the pure water, in the lotuses. So you have to see, are we crow class or are we swan class? So devotees are like a swan class. Tatha paramahamsanam muninam amalatmana. They are completely pure. And they are like a swan, paramahamsa. And therefore they are experiencing that pure nectar. So that is the price. So therefore that price we have to give. There is no problem you become engineer, doctor, businessman and very nicely established in your material life. But the question is what we are searching in our life. So you can become a good engineer, good doctor, but become a swan class of man. Become a devotee of Krishna and experience that pure nectar which satisfies the soul, which will liberate you, will take you back home, back to Godhead. Which will make your life perfect, which will deliver you from the cycle of birth and death. That is the perfection of, therefore devotees are perfect. Devotees are in knowledge. But one may be very qualified in material life, but if he is like crow class, only searching for illicit sex, intoxication, after having higher education and money, then you are crow class. You are like running after her liquor. So that basic differentiation you have to understand. And you have to understand that devotees are very merciful and they are coming to distribute that nectar. They don't have they don't have any personal purpose. Like Srila Prabhupada have no other purpose. Just to deliver people. And you took all trouble. And thus you have to appreciate the devotees who is coming to you.
to give that nectar. So therefore, we have to appreciate that, and we have to make our life in according to that standard. So then you can experience that pure nectar. Okay, Hare Krishna. So you can chant one round today, because we have taken a lot of time in speaking. But I think it is very, very important for all of us to understand, and all of us, we should be convinced and clear about that. What is pure nectar? What is actually nectar and what is liquor? So, and then we have to contemplate on that. We have to take it in our heart. ऐसे नहीं कि एक कान से आया दूसरे कान से निकल आया, प्रभु जी जा बोलते बोलिए, हम तो वही करने वाले हैं जो हमने सोचा है. Then nobody can change your life. Nobody can give you the help you. हम तो वही करेंगे जो हमारे कॉलेज के दोस्त लोग कर रहे हैं, वही करेंगे जो हमारे सीनियर लोग कर रहे हैं. लड़की के पीछे घूमना, पोर्नोग्राफी देखना, दारू पीना. तो कृष्ण केम टू बेनिफिट अस, चैतन्य महाप्रभु केम बेनिफिट अस, प्रभुपाद केम बेनिफिट अस. दे हैव डन देयर पार्ट, नाउ इट इज आवर पार्ट व्हाट वी आर डूइंग. सब समझने के बाद क्या करते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जानने के बाद भी मतलब जग के भी सोए हुए, तब कोई बचा नहीं पाएगा हम लोगों को. तो इसलिए यू हैव रिसीव्ड वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय द मर्सी ऑफ श्रीलो प्रभुपाद एंड लॉर्ड कृष्णा इन दिस लॉकडाउन. सो देयरफॉर दिस लॉकडाउन इज बून फॉर यू, लॉकडाउन इज अ ब्लेसिंग फॉर यू दैट यू रिसीव दिस ऑनलाइन क्लासेस and make your life successful by practicing Krishna consciousness. Thank you very much. Hare Krishna.